प्रणाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मैजिकल डाइट प्लान देने जा रहे हैं। जी हाँ, मैजिकल डाइट प्लान। ये डाइट प्लान विशेष रूप से हमारे बिजनेस के लिए है या उन लोगों के लिए है जो नेचुरल लाइफस्टाइल को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। आइए जानें हाउ टू स्टार्ट। चेंज योर ब्रेकफास्ट ओनली, क्योर योर डिजीज। कैसे करें नेचुरल लाइफस्टाइल की शुरुआत? केवल अपने सुबह के नाश्ते में बदलाव करके अनेकों बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटस, ऑस्टियोआर्थराइटस, जोड़ों का दर्द, पथरी, अस्थमा, दमा, दाद, खुजली, साइनस, थायराइड, पीसीओडी, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इनडाइजेशन इत्यादि। केवल नाश्ते में बदलाव करके अधिकतर बीमारियां कैसे ठीक हो जाती हैं, आइए इसकी साइंस को समझते हैं। हम अक्सर यही समझते हैं कि यदि कुछ खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, जैसे यदि गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। मशीनों और गाड़ियों के साथ काम करते करते मानव अपने शरीर को भी मशीन ही समझने लग गया, परंतु वास्तविकता यह है हमारा मानव शरीर भोजन से चलता नहीं, बनता है, जबकि गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बनती नहीं। गाड़ी को जब खरीदते हैं तब उसका जितना वजन होता है, अगर 10 साल बाद बेचते हैं तब भी उतना ही होता है, जबकि मानव शरीर जब जन्म लेता है 3-4 किलो का होता है और समय के साथ साथ वजन बढ़ता है। गाड़ी में यदि पेट्रोल ना हो तो गाड़ी के मालिक को कितनी ही इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी तो 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ेगी, जबकि मानव शरीर को यदि एक तो दिन के लिए भी भोजन ना मिले तो भी मानव शरीर सामान्य रूप से सभी कार्य कर सकता है। गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी नहीं हो सकती, मानव शरीर छोटे से बड़ा हो सकता है। गाड़ी अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती, मानव शरीर एक नहीं अनेकों शरीर पैदा कर सकता है। गाड़ी में अगर कोई खराबी आ जाए तो अपने आप ठीक नहीं हो सकती, मानव शरीर अगर कोई रोग आ जाए तो अपने आप ठीक भी कर सकता है। इन सभी बातों से यह प्रमाणित होता है कि मानव शरीर के अंदर एक वाइटल फोर्स है, रोग निवारक शक्ति है, जो कि गाड़ी में नहीं है। गाड़ी के खराब होने पर हम गाड़ी को कंपनी से अर्थात निर्माता से ठीक कराते हैं, किंतु शरीर के बीमार होने पर हम दवाइयाँ खाते हैं और अपने अंदर बैठे निर्माता भगवान बैद्यनाथ की शरण में नहीं जाते हैं। जरा सोचिए, जो शरीर बिना किसी दवाई के अंदर से अपने आप अनेकों नए शरीर बना सकता है, क्या वह शरीर अपने रोग स्वयं ठीक नहीं कर सकता? तो आइए जानते हैं करना क्या है। जरूरत है शरीर में ही विद्यमान उस शक्ति को रोगों को ठीक करने का मौका देने की। वह शक्ति तो अपने आप ही रोगों को ठीक करने में लग जाएगी, हमें केवल उसमें रुकावट डालना बंद करना है। जैसे कि हमारे घर में बिजली है, एक ही पावर से हम कई प्रकार के काम ले सकते हैं, जैसे कि पानी को गर्म कर सकते हैं और उसी पावर से हम पानी को ठंडा भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में एक ही शक्ति है जिसके द्वारा शरीर के सभी काम बनते हैं, जैसे मेहनत का काम, सोच विचार के काम, खाने को हजम करने का काम और रोग को ठीक करने का काम। किंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ यह शक्ति कम होती जाती है। छोटे बच्चे की हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और बड़ी उम्र में हड्डी को जोड़ने में समय अधिक लगता है। लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस के अंतर्गत हम उस शक्ति को आदतों में बदलाव करके बचाते हैं और लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम उस शक्ति को रोग को ठीक करने की तरफ लगाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बिजली जाने पर इन्वर्टर से या तो हम पंखे ट्यूब इत्यादि चलाते हैं या फिर पंखे ट्यूब बंद करके टीवी या फ्रिज चलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस साइंस को केवल सुबह के नाश्ते में बदलाव करके कैसे हम शरीर की रोग निवारक शक्ति को रोगों को ठीक करने के लिए लगा सकते हैं। अगर हमारी हड्डी टूट जाए तो हड्डी को आराम देने से हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि हड्डी को जोड़ने की शक्ति तो शरीर के अंदर है, जरूरत है हड्डी को आराम देने की। ठीक ऐसे ही मानव के अधिकतर रोग उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से हो जाते हैं, जरूरत है पेट अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने की। सुबह के नाश्ते में बदलाव करके हम अपने पूरे पाचन तंत्र को आराम दे सकते हैं। जानते हैं कैसे। अगर हम एक बार अनाज खा लेते हैं, जैसे कि दाल रोटी, पूरी पराठा या चावल इत्यादि,
उसको पचाने के लिए हमारे पाचन तंत्र को 18 घंटे काम करना पड़ता है, अर्थात वह भोजन हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में 18 घंटे तक पड़ा रहता है। कच्चे सलाद को पचाने में लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं और फलों को पचाने में 3-4 घंटे लगते हैं, जबकि रसों को पचाने में 2-3 घंटे लगते हैं। जब हम सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिन में 3-3 बार पका हुआ भोजन अर्थात अनाज लेते हैं और बीच बीच में स्नैक्स कहूँ या स्नेक्स कहूँ लेते हैं, जिसे हम भोजन में गिनते ही नहीं, इससे हमारा पाचन तंत्र 24 घंटे व्यस्त रहता है, उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। अगर हमें 2-3 दिन तक लगातार ऑफिस में काम करना पड़े और आराम करने का समय बिल्कुल भी ना मिले तो हमें कैलकुलेशन में, हिसाब किताब में गलतियाँ लगने लगेंगी, हमारी हालत पागलों जैसी हो जाएगी। ठीक ऐसे ही डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते लेते हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हालत पागलों जैसी हो जाती है, उसके ग्लैंडुलर सिस्टम को गलतियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब पेट में भोजन होता है तो डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रस नहीं निकलते। जब पेट खाली होता है तो भोजन को पचाने वाले रस निकलते हैं। भारत की सभी भाषाओं में कहा गया है कि जो दिन में एक बार खाएगा वो योगी, जो 2 बार खाएगा भोगी और 3 बार खाएगा रोगी। क्या खाएगा? अनाज। बातचीत की भाषा में हम अक्सर कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो और क्या चाहिए, अर्थात हमने भगवान से मांगी थी 2 वक्त की रोटी, हम यहाँ आकर खाने लग गए 3-3 वक्त की रोटी, जिसके कारण अनेकों रोग लग गए। केवल ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते में बदलाव करके हम अनेकों बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानें करना क्या है। नमस्कार, आइए जानते हैं करना क्या है। सुबह सुबह उठने के बाद, पेट साफ हो जाने के बाद, सुबह की सैर, प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगासन इत्यादि करने के बाद, उठने से लगभग 2 घंटे बाद, लगभग 8 बजे, आप अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग ड्रिंक वेजिटेबल जूस से करें, जिसके लिए सबसे बढ़िया है सफ़ेद पेठे का रस। सफ़ेद पेठा, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, जिसे इंग्लिश में एशगार्ड या विंटर मेलन भी कहते हैं, इसका ऊपर का छिलका हटा लें, अंदर से बीज निकाल दें, बीज का गुदा लेकर उसका जूस निकालकर बारीक छलनी में से छान लें। लगभग 1 गिलास जूस 200 से 250 ml तक घूट घूट करके पीना है। इसमें नमक नहीं मिलाना। पेठे के जूस के बारे में डिटेल में समझने के लिए इसके वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर सफ़ेद पेठा ना मिले तो हरा नारियल पानी डाब भी पी सकते हैं, या फिर मौसम की किसी भी कच्ची सब्जी का रस पी सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के मौसम में घी या लौकी का रस, खीरे टमाटर का जूस, पालक टमाटर का जूस, और सर्दियों के मौसम में बथुआ टमाटर का जूस इत्यादि ले सकते हैं। कोई भी जूस पीने के लगभग 2 घंटे बाद 10 बजे के आसपास मौसम का कोई भी एक तरह का फल ले लें, लगभग 400 से 500 ग्राम, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, अमरूद, नाशपाती, बब्बू गोशा, जामुन, मौसमी, संतरा, किन्नू इत्यादि। फल आप पेट भर, प्लेट भर अपनी भूख के अनुसार खाएं। लगभग 2-3 घंटे के बाद 12-1 बजे के आसपास मौसम के अनुसार कच्चे सलाद खाएं, जैसे गर्मियों के मौसम में खीरे ककड़ी का सलाद और सर्दियों के मौसम में मूली, गाजर, शलगम, फूलगोभी, शिमला मिर्च, चुकंदर इत्यादि का सलाद। 3 चीज़ें हमने अपनी सलाद में हर मौसम में डालनी हैं, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया पत्ता, पालक के पत्ते, कड़ी पत्ता, मतलब कोई भी हरे पत्ते अच्छे से अपनी सलाद में हमें ज़रूर डालने हैं। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस करके सलाद में मिलाकर खाएं। सलाद तैयार करने की विधि को और अच्छे तरीके से देखने और जानने के लिए मौसम के अनुसार गर्मियों और सर्दियों के स्वादिष्ट सैलड तैयार करने की विधि के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 12-1 बजे पेट भर सैलेड खाने के बाद फिर दोबारा जब भी आपको भूख लगे, आप अपना सामान्य भोजन जो आपके मुताबिक सेहत के लिए अच्छा है ले सकते हैं। हमने अभी आपको केवल 12-1 बजे तक का ही प्लान दिया है। इसके बाद अपनी कॉमन सेंस से, अपनी समझ के अनुसार जो भी खाना चाहे खा सकते हैं। अभी इस मैजिकल डाइट प्लान से शुरुआत करें और इसके चमत्कार को देखें। केवल इतना करने से ही देखते ही देखते आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गैस, एसिडिटी
कम होने लगेगा, घुटनों की ग्रीस वापस बनने लगेगी, स्किन डिजीजेस ठीक होने लगेंगी, हेयर फॉल, बाल गिरने बंद होने लगेंगे, चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, साइनस अस्थमा ठीक होगा, आपकी वर्षों की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। ये सब होता कैसे है, आइए इसकी साइंस को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दुकानदार सुबह सुबह दुकान की सफाई करता है, अगर उसी समय ग्राहक आ जाएं तो वह सफाई को बंद करके ग्राहक को अटेंड करेगा। इसी तरह और ग्राहक आते रहेंगे और उसकी दुकान की सफाई कभी होगी ही नहीं। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर सुबह सुबह सफाई पर लगा होता है। ध्यान दें, सुबह उठते ही हम यूरिन और मोशन के लिए जाते हैं, हमारा पेट साफ होता है, छोटे बच्चों की आंखों में सफ़ेद बलगम सा आ जाता है, हमारी जिभा पर सुबह सुबह सफ़ेद सफ़ेद बलगम जमा होता है, हमारे गले और मुख में से बलगम गंदगी बाहर निकलती है, अर्थात सुबह सुबह हमारा सारा शरीर मल को बाहर निकालने में लगा होता है, शरीर की पूरी शक्ति गंदगी को बाहर निकालने में लगी होती है। और हम सुबह सुबह नाश्ते में चाय, बिस्किट, पूरी, पराठा, पोहा, इडली इत्यादि ले लेते हैं, अर्थात हम शरीर के पास ग्राहक भेज देते हैं और शरीर सफाई के काम को रोककर उस एसिडिक भोजन को पचाने में लग जाता है। अभी नाश्ते को पचाने का काम पूरा होता नहीं, इतने में दोपहर का भोजन यानी कि लंच, फिर रात्रि का भोजन यानी डिनर का समय हो जाता है। अभी पाचन तंत्र का पहले दिन का खाया हुआ भोजन को पचाने का काम पूरा नहीं होता, हम अगले दिन फिर सुबह का नाश्ता कर लेते हैं और इस तरह हमारे शरीर की सफाई कभी होती ही नहीं। जैसे कि दुकानदार की दुकान की सफाई नहीं होती, अब हम क्या करेंगे, दुकानदार जो सुबह सुबह सफाई कर रहा है उसके पास ग्राहक नहीं बल्कि एक दोस्त भेजेंगे जो सफाई करने में उसकी सहायता करेगा। ठीक ऐसे ही शरीर जो सुबह सुबह सफाई पर लगा है, हम उसे चाय बिस्किट का ग्राहक नहीं बल्कि सफ़ेद पेठे का रस या नारियल पानी या कच्ची सब्जियों के रस देंगे जो कि हाईली एल्केलाइन है और शरीर की सफाई करने में सहायक होंगे। अभी एक दोस्त से काम नहीं बन रहा, फिर 2 घंटे बाद हम दूसरा दोस्त मौसम का कोई एक फल ले लेंगे, वह भी शरीर की सफाई में सहायता करेगा, लेकिन अभी भी सफाई अधूरी है। अब हम क्या करेंगे, हम दोस्तों की एक पूरी मंडली अर्थात कच्चे सलाद ले लेंगे, ये सब मिलकर शरीर की सफाई करेंगे। 12-1 बजे तक प्लेट भर कच्चे सलाद खाने के बाद आप 2-3 बजे तक कुछ खा ही नहीं पाएंगे। इसकी साइंस ये है कि हमने रात को 8 बजे के आसपास खाना खाया होगा, अगले दिन 12 बजे तक आपकी ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। आपने 16 घंटे तक अपने अंदर के अंगों को आराम दे दिया। जैसे हड्डी को आराम देने से हड्डी जुड़ जाती है, ठीक ऐसे ही इस मैजिकल डाइट प्लान को अपनाने से देखते ही देखते आपके रोग ठीक होने लगेंगे। एक बार हमारी बात को केवल 3 दिन के लिए मानकर देखें, केवल 3 दिन में ही आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है 12 बजे से पहले पहले कोई भी आग पर पका हुआ भोजन नहीं लेना, कच्चा कच्चा ही खाना है, सफ़ेद पेठे का रस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियों के रस, कच्चे सलाद, मौसम के फल, अपनी सुविधा, अपनी खुशी, अपनी चॉइस के अनुसार कैसे भी ले लें, लेकिन 12 बजे से पहले पहले इनमें से ही कुछ ले लीजिए। रॉ फूड, कच्चा भोजन शरीर की सफाई का काम करता है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस साइंस को समझें और अपनाएं। जल्दी और अधिक लाभ लेने के लिए एक बात और, डाइजेस्टिव सिस्टम और पेट को और अधिक आराम देने के लिए, पेट की ओर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए पेट के ऊपर पानी की गीली ठंडी पट्टी आधे घंटे के लिए ज़रूर लगाएं। पेट की पट्टी लगाने की विधि और साइंस को जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी संस्था नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारा इतिहास 150 साल पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने पूरे जीवन यह काम निष्काम सेवा भाव से किया। उनका ये आदेश था कि यह ज्ञान जन जन तक निष्काम भाव से, सेवा भाव से पहुंचना चाहिए। हमारे अनेकों साथी बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने के विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में बिना किसी स्वार्थ के तन मन धन से, सेवा भाव से लगे हुए हैं। ये प्रचार गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। प्रत्येक रविवार हमारी निःशुल्क क्लास में भाग ले सकते हैं, आपका स्वागत है।
इस साइंस को पूरी तरह सीखने के लिए आप हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल कोर्स में भाग लेकर हमारे साथ रहकर सीख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में आपके स्वास्थ्य के लिए नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।